हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुछ समय पहले जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट छत्तीसगढ़ पीएटी के जो एग्जाम लिए गए थे उसके व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर अनाउंस किया गया। मॉडल आंसर को जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि जो पेपर हुआ था इस बार, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर हुआ था, वो 200 नंबर के जगह 150 नंबर का हुआ। तो हमें ये तो कंफर्म था कि पैटर्न चेंज होने वाला है, और पैटर्न चेंज ऐसा किया गया कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे जो आंसर उनका होना था उसको समझने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हुआ, जिसे मॉडल आंसर जो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया था और व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर आया उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस थे, कुछ आंसर अलग लिए गए। उन्हीं चीजों को लेकर मैं आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, एक एक चीजों को स्टेप वाइज समझिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे सही कराना है, कैसे दावा आपत्ति करना है। हाँ, बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन सही कराना है तो व्यापम के द्वारा आपको एक मौका दिया गया है जिसका नाम है दावा आपत्ति। उस क्वेश्चन में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो उन्हीं पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दावा आपत्ति, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि व्यापम ने इसका आंसर गलत लिया है, उन क्वेश्चन के साथ आप दावा आपत्ति कैसे प्रूफ ऑफ व्यापम को देंगे, ये चीजें मैं आप लोगों को पूरे स्टेप वाइज चीजों को समझाता हूं। तो आज का अपना टॉपिक आप देख सकते हो, सीजीपीएटी 2024 के पेपर में दावा आपत्ति कैसे करें, इनको लेकर मैं आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए चीजों को समझते चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी सर्च इंजन में जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आ गया, ठीक है, क्रोम के आपको सर्च बार में क्या सर्च करना होगा, सीजी व्यापम सर्च करना होगा। आप सीजी व्यापम में सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पे दावा पत्ती वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। आप इस दावा पत्ती में जैसे क्लिक करेंगे आप ये दावा पत्ती वाले पेज में आ जाएंगे। उसके बाद अपने को किस पेपर के लिए दावा पत्ती करना है, तो आपको यहाँ पे देखेगा पीएटी, पीएटी परीक्षा के लिए हमें दावा पत्ती संबंधी निर्देश कुछ दिए गए हैं, इन चीजों को मैं आपको बताता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है पीएटी प्रवेश परीक्षा के मॉडल आंसर इस कार्यालय पत्र क्रमांक 20 दिनांक 27/6/24 द्वारा जारी किया गया। 27 तारीख को मॉडल आंसर सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद क्या दिया है कि यहां लिखा है कि अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों को सप्रमाण दावा पत्ति 4/7/2024 को दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। मतलब दावा पत्ति करने का जो लास्ट डेट है, जो एंड डेट है दावा पत्ति का, वो आपको दिया गया है। यहाँ पे देखो दावा पत्ति कर सकते हो आप 4/7/4 तारीख तक दावा पत्ति आप कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, दोपहर 3 बजे तक आप दावा पत्ती कर सकते हैं। पर इस बार कुछ प्रोसेस में चेंज आया है, वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दावा पत्ती दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी को अपने व्यापम के प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आपके फोन नंबर और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था वहां पे आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद क्या करना दिया है, उसके बाद क्या बोला गया है, दावा आपत्ति को पंजीकृत कराने के पूर्व आप के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों पर आपका नाम होना चाहिए, पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, इसका आप एक पीडीएफ बनाएंगे, जो प्रूफ आपको सेंड किया जाएगा उसका आपको एक पीडीएफ बनाना है। और उस पीडीएफ में क्या क्या होना चाहिए, उस पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए, पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हस्ताक्षर भी होना चाहिए, आपके साइन भी होने चाहिए, जिसका सॉफ्ट कॉपी आपको उस साइट पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है यह भी आपकी जानकारी मैं दूंगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है साफ साफ अक्षरों में कि डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा पत्ती मान्य नहीं होंगे। मतलब आपको वहां जाके, व्यापम में जाके अगर आप दावा पत्ती सबमिट करना चाहते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपको दावा पत्ती, जो ऑब्जेक्शन करना है, उसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन ही दावा पत्ती करना होगा। क्लियर ये बात,
उसके बाद जो बेसिक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चेंजेस आया है इस वर्ष, जो चेंज आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को दावा पत्र दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न ₹50 दावा पत्र शुल्क के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के लिए आपको कितना रुपए लगेगा, ₹50 लगेगा। ये कैसे सबमिट करना है, ये कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिना शुल्क भुगतान किए दावा पत्ती दर्ज कराने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। जब तक आप वो जो दावा पत्ती का जो शुल्क, जो फीस डिसाइड किया गया व्यापक द्वारा, अगर वो आप सबमिट नहीं करते हो, वो पे नहीं करते हो, तो आपका दावा पत्ति मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ एक अच्छी चीज इसमें ये दी गई है कि दावा पत्ति विषय विशेषज्ञ द्वारा मान्य होने पर लिया गया शुल्क संबंधित बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया है, अगर आपका दावा पत्ति का आंसर सही है, अगर व्यापम ये मानता है कि नहीं आपके द्वारा दावा पत्ति जो किया गया है वो सही है, तो आपने जो भी अमाउंट पेड किया है, जो भी फी पेड किया है, वो आपके उस बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ये चीजें थी। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि दावा पत्ती के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतलब जो लास्ट डिसीजन होगा वो व्यापम का ही होगा। ठीक है, आप प्रूफ लगाया, आपने ये बोला कि हमारा ये आंसर सही है, बट अगर व्यापम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, यही सब चीजें लिखी होगी कि आपके निर्णय को मान्य नहीं माना जाएगा, व्यापम द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, जो आपत्ति लिया गया है, अगर आपने जो आपत्ति किया है वो गलत है, तो व्यापम के आंसर को ही सही प्रूफ माना जाएगा। क्लियर है भाई ये चीज? तो ये था बेसिक डिटेल, जो निर्देश, जो नोटिस जारी किया गया था व्यापम के द्वारा दावा आपत्ति को लेके। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आपको समझाया क्या क्या चीज था। तो मैंने आपको क्या बताया कि सॉफ्ट कॉपी जमा करना है, पर पेज में आपके साइन, नाम और पंजीयन एनरोलमेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये कि आप जितने भी क्वेश्चन का दावा आपत्ति कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको ₹50 का पे करना होगा। क्लियर ये बात? अब चलिए, अब प्रोसेस शुरू करते हैं कि दावा पत्ती करना कैसे अपने को। जैसे हम इस पेज पे आएंगे, दावा पत्ती वाले पेज पे आएंगे, तो आपको लिखा होगा, देखो पीएटी प्रवेश परीक्षा 2024 के दावा पत्ती संबंधित निर्देश, और यहाँ लिखा है लिंक फॉर दावा पत्ती। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड योर पासवर्ड। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मैं स्क्रीन कवर कर लेता हूँ मोबाइल नंबर के लिए। ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, जो भी आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड होगा वो आपको डालना है यहाँ पे। और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, आप क्या करें, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अप्लाई फॉर दावा पत्ती लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई फॉर दावा पत्ती लिखा हुआ है। हम इस पे क्लिक किए, हम इस पेज पे आ गए। इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है दावा पत्ती करने हेतु विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, और यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करना है आपको। यहाँ पे अप्लाई में क्लिक किए, इस पेज की तरफ आ गए। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कौन सा सेट था, जैसे मान लो हमारा सेट डी था, हमने डी सेट सेलेक्ट कर लिया। आपका जो सेट होगा आपको वो सेट सेलेक्ट करना है। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। ठीक है, डी सेट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 64 क्वेश्चन नंबर 64 हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लिया 64। यहाँ पे आप देखेंगे 100 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखने लगेगा जिस क्वेश्चन में आपको दावा पत्ती लगाना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको दावा पत्ती लगाना है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। क्या लिखा हुआ है, द सीड विच इज नोन एज मदर सीड। इस क्वेश्चन में मान लो आपको दावा पत्ती लगाना है तो ये क्वेश्चन आपको दिखने लगा। यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मॉडल आंसर, व्यापम द्वारा दिया गया मॉडल उत्तर। इसमें ए ऑप्शन को व्यापम ने लिया है। कौन सा ऑप्शन लिया गया है, ए ऑप्शन लिया गया है। उसके बाद हमने ये बोला कि भाई इसका ए ऑप्शन सही नहीं होगा, हम इसमें जाते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन अपने को लग रहा है सही, इसका हमें सी ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दावा का जो उत्तर है वहां पे हमने सी टाइप कर दिया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो आपने पीडीएफ बनाया है, दावा पत्ती का जो पीडीएफ बनाया है वो फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा कैसे पीडीएफ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको रिमार्क देना है ये लिख, अकॉर्डिंग टू बुक सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये जो भी आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जो भी आप जो भी रिमार्क देना चाहते हैं वो लिख सकते हो। ये हमने आगे बढ़ गए, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको देखो मैं ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ये चीजों के लिए आप क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं इन चीजों के, उसमें क्लिक किए और क्या किए, सेव योर आंसर पे क्या करना है अपने को आगे बढ़ जाना है। ये हम ऐसे आगे बढ़ गए यहां से, ठीक है, ये आगे बढ़ गए। अब यहां पे आप देखेंगे, अब यहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा, किसका ऑप्शन दिखा, पेमेंट का ऑप्शन दिखा। आप इस पे पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे, ये पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसने जिसने ये किया है ऐसा वैसा जो भी चीजें, आपकी ईमेल आईडी, रोल नंबर, ये वो ऐसा वैसा, भुगतान का प्रकार यहाँ पे आप क्लिक कर देना, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, बाकी सिंपल सी चीजें हैं, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये सब चीजें आपके आगे बढ़ जाएंगे। कन्फर्म पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ गया बेसिक चीज। मैंने आपको यही बताने के लिए इस लेक्चर में, आप इस वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। अब आपको जैसे भी पेमेंट करना है, यूपीआई के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ये पेमेंट का प्रोसेस है। जैसे ही हम क्या करेंगे, मान लो हमें यूपीआई, गूगल पे, फोन पे से करना है तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना होगा और इस जगह पे क्लिक करना होगा, आपका पेमेंट क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आपको जो भी जियो रिसिप्ट है इसको आपको क्या करना है, अपने पास रखना है डाउनलोड करके, या तो आप प्रिंट रख लो या नॉर्मल आप डाउनलोड में रखे रहो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये चीजें आपको करना है और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको किसका बताया, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दावा पत्ती का बताया। यहाँ पे देखो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको क्या करना होगा, इसमें हमने दावा पत्ती किया था, इन सब चीजों का प्रिंट आपको ले लेना है, ठीक है। अगर आपको और आगे भी सही हो गया तो नहीं सही बात है, और अगर और आगे भी चीजों का प्रूफ अगर चाहिए तो इनका प्रिंट लेना कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें समझे मेरी बातों को। अगर आपका दावा पत्ती का आंसर सही है तो जो आपने ₹50 पर क्वेश्चन का पेड किया है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पे दावा पत्ती नहीं कर सकते, आपको स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन पे दावा पत्ती करना होगा, समझे मेरी बात को। अब बात करते हैं कि दावा पत्ती का जो आपको पीडीएफ बनाना है वो किस हिसाब से होना चाहिए। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे कि दावा पत्ती करना कैसे है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि दावा पत्ती आपको जो पीपीटी, सॉरी जो पीडीएफ आपने बनाया है वो बनाना कैसे है। तो मैंने एक कोशिश किया है बनाने का, उसी हिसाब से आपको बनाना है जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो लिया मैंने, उसके बाद जो बुक था इस बुक से मैंने आंसर करेक्शन के लिए ये वाला बुक का फ्रंट पेज रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, कहां पे से आंसर मुझे लग रहा है कि सही है उस जगह को मैंने क्या किया है, यहां पे देखिए उस जगह को मैंने यहां पे क्या किया है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये जो मदर सीट है वो आधार बीज फाउंडेशन सीट, यही क्वेश्चन था अपना, ये अपने हम क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। एक चीज याद रखेंगे, जिस पेज पर या सभी पेज पर अपने एनरोलमेंट नंबर, नाम और सिग्नेचर भी आपको रखना है। मैं ये चीजें नहीं रखा हूं क्योंकि इसको कई जगह पे शेयर करना होता है, इसलिए सभी पेज में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम और सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट करके आपको क्या करना है, इसे अपलोड करना है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, दावा पत्ती करने का पूरा प्रोसेस बताया, पीडीएफ कैसे बनाना है, आपके दावा पत्ती का प्रूफ जो होना चाहिए उसका पीडीएफ कैसे है, ये चीज भी बताया, ठीक है। जो निर्देश थे वो भी आपको मैंने पूरे डिटेल से बताया कि किन किन निर्देशों का आपको ध्यान रखते हुए दावा पत्ती करना है। तो ये बेसिक जानकारी थी।
अब कुछ बातों पे अगर ध्यान दूं तो इस वर्ष जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर हुआ वो पुराने साल जो पेपर हुए थे उसका इस वर्ष का पेपर एकदम डिफरेंट था, पैटर्न एकदम डिफरेंट था, बिल्कुल नए तरीके का पेपर लिया गया। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस वर्ष भारतीय कृषि कोचिंग द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो पीएटी 2025 को कवर करेगा विथ न्यू पैटर्न, पूरे पैटर्न को फोकस करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पीएटी को कब पीएटी सिलेबस को फोकस करके नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाता है पीएटी सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पे जितने क्वेश्चन आए हुए थे उनका पैटर्न कैसा था, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो एकदम ध्यान रखिएगा 10 जुलाई दिमाग में डेट बैठा लीजिए, 10 जुलाई को प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 के लिए भारतीय कृषि कोचिंग में इंस्टीट्यूट में ड्रॉपर बैच जो जिसका टारगेट होगा पीएटी 2025 को क्रैक करना 10 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिख रहे हैं आपको, उस पे अगर इस बैच के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, पूरे डिटेल से चीजों को समझना है तो स्क्रीन पे दिखाए गए हमारे नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन या इसके डिटेल्स आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। आई होप आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। दावा पत्ती करने पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि इस साल पर क्वेश्चन के लिए ₹50 आपको पे करना होगा। अगर आपके आंसर गलत हैं तो वो पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे। अगर आपने जो दावा पत्ती किया है वो आंसर आपका सही है, व्यापम ने अगर उसको सही माना तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंडेबल होगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मैं मिलूंगा नए अपडेट के साथ, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के न्यू बैच उसका सिलेबस कैसा होगा, पढ़ने का तरीका कैसा होगा, इन सभी चीजों को लेके मैं जल्द ही आप लोगों से जुड़ूंगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।